गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका हैप्पी कैमरी स्कूल से आपकी हिंदी की टीचर। बच्चों, आज हम जो है हिंदी के अंदर जो है संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम संज्ञा के बारे में जानने से पहले उसकी परिभाषा पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? संज्ञा की परिभाषा, उसकी परिभाषा होती क्या है। संसार के किसी भी प्राणी, प्राणी में कौन आता है? जैसे मैं, आप, ये सब हम क्या है? एक प्राणी है और हम सबका क्या है? एक नाम है, तो हम क्या है? एक संज्ञा। वस्तु, वस्तु क्या होती है? वस्तु होती है जैसे आपकी कार ले लो, टीवी ले लो, पंखा ले लो, ये क्या है? वस्तु। स्थान, स्थान में कहते हैं दिल्ली, आगरा वगैरह, ये सब क्या है? स्थान। जाति, जैसे जाति होती है हिंदू मुस्लिम, ये क्या है? जाति। या भाव, भाव क्या होता है? जो आप फील करते हो, जैसे आपको फीलिंग आती है, कोई बच्चा रो रहा है तो आपके मन में आता है ना, फीलिंग आती है, अरे रो क्यों रहा है, तो क्या है? भाव। दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या है? आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संसार के किसी भी प्राणी, प्राणी क्या होता है? इंसान होता है, जिसके नाम होते हैं प्राणी। वस्तु, वस्तु क्या होते हैं? चीजें, जैसे पेन, टॉफी, लैपटॉप, ये सब क्या है? वस्तु है। स्थान, स्थान जैसे दिल्ली, आगरा, ठीक है। जाति या भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से प्राणी होते हैं, मतलब कुछ प्राणियों के हम नाम जानेंगे। जैसे एग्जांपल लेंगे अब हम व्यक्तियों के नाम। जैसे महात्मा गांधी, ये क्या है? एक प्राणी का नाम है महात्मा गांधी, तो ये क्या है? एक संज्ञा है। चाचा नेहरू, चाचा नेहरू ये भी क्या है? एक प्राणी का नाम है, तो ये भी क्या है? एक संज्ञा है। सचिन तेंदुलकर, मैंने उनके नाम लिए हैं जो आपको बहुत पसंद है, सचिन तेंदुलकर, ये भी क्या है? प्राणी है। इसके अलावा आप एग्जाम्पल में ले सकते हो, जैसे आप, आपका नाम जो भी है, जैसे कि राधिका, ये सब क्या है? आपका नाम क्या है? संज्ञा है। वस्तुओं के नाम अब हम जानेंगे कि वस्तु है, सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैडम वस्तुएं कौन कौन सी होती है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि वस्तु हम किसे कहते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है घड़ी, घड़ी क्या है? एक वस्तु है। तो सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि मैडम वस्तु क्या होता है, जैसे घड़ी एक वस्तु है। सबको पता है, सबके घर में छाता भी है, छाता भी क्या है? एक वस्तु है, ठीक है। टेलीविजन, टीवी, टीवी सही बच्चों के घर में है, टीवी क्या है? भी क्या है? एक वस्तु है। स्थानों के नाम, और हम जो है कुछ स्थानों के नाम के बारे में जानेंगे, जैसे मुंबई, आगरा, दिल्ली, ये सब क्या है? हमारे स्थान है। तो जहां पे भी ये सब आएगा उसमें हम क्या करेंगे? हमारी सारी क्या है? संज्ञा है। भारत एक विकासशील देश है, भारत एक विकासशील देश है। जैसे ही मैंने आपको स्थानों के नाम में बताया था, भारत, भारत क्या है? एक स्थान है। भारत एक विकासशील देश है, तो इसमें संज्ञा क्या है? भारत। नेक्स्ट है आपका नरेंद्र मोदी, भारत के सजग नेता हैं। नरेंद्र मोदी जो है भारत के सजग नेता हैं। नरेंद्र मोदी ये क्या है? नाम है, तो ये नाम क्या है आपका? संज्ञा है। नाम क्या है? संज्ञा है। गंगा एक पवित्र नदी है, गंगा क्या है? एक पवित्र नदी है, तो गंगा क्या है आपका? संज्ञा। गंगा क्या है आपका? संज्ञा है। कुरान इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है, कुरान जो है इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है। कुरान क्या है आपका इसमें बच्चों? कुरान आपका है संज्ञा, कुरान इसमें आपका क्या है? संज्ञा है। ऐसे हम इसके और एग्जांपल लेंगे, राम इधर आओ, राम इधर आओ, तो इसमें संज्ञा क्या है? राम, राम क्या है? एक नाम है, ठीक है। सेकेंड आपका, यह पुस्तक किसकी है? पुस्तक क्या है? एक वस्तु है, तो इसमें वस्तु क्या है? पुस्तक क्या है? वस्तु, तो ये क्या है? एक संज्ञा है। थर्ड है, हम आगरा चले गए थे, हम कहाँ गए थे? आगरा चले गए थे। आगरा क्या है आपका? स्थान है, तो इसमें आगरा क्या है आपकी? संज्ञा है। बचपन सुहावना होता है, बचपन क्या है? सुहावना होता है। बचपन क्या है आपकी? वो बचपन क्या है आपकी? संज्ञा है। बचपन, इसमें आप भाव लगा लोगे, बचपन जो है हमारा सुहावना होता है। मिठास सबको अच्छी लगती है, मिठास जो है जब आप कोई खाते हो, मिठास उसकी कैसी लगती है? अच्छी लगती है, तो इसमें मिठास आपका क्या है बच्चों? संज्ञा है। इसमें क्या है, हम कुछ एग्जांपल हमने लिए है, इसको हमें भरना है।
गाय डैश खाती है। गाय क्या खाती है, इसमें क्या लिखेंगे, गाय घास खाती है। गाय क्या खाती है, घास। ठीक है, गाय घास खाती है। गाय क्या खाती है, गाय घास खाती है। अमन डैश पी रहा है। अमन डैश पी रहा है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। अमन क्या है, संज्ञा है। क्या पी रहा है, पानी पी रहा है, जूस पी रहा है या दूध पी रहा है, इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारे क्या है, कुछ संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। तो सारे बच्चे जो है अच्छी तरह से इस वीडियो को देखेंगे और इसको समझेंगे। कल मैं आपको जो है इसके बारे में और डीपली एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू।